मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने आप को एक अच्छे, समझदार और बेहतर इंसान में बदल सकते हैं। हम देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इसका होना क्यों जरूरी है, हम कैसे इसे बढ़ा सकते हैं और इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी में कहां कर सकते हैं। ये वीडियो दो पार्ट में होगा, आज पहला वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बरसों से हम किसी के आईक्यू से उसकी सफलता के बारे में अनुमान लगाते आए हैं, लेकिन क्या ऐसा सच में होता है कि तेज दिमाग वाले लोग ही जिंदगी में कुछ बड़ा काम करते हैं? नहीं, आईक्यू से हम किसी की सफलता का अनुमान नहीं लगा सकते। इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे दिमाग की वह क्षमता है जिसकी मदद से हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं और उसके हिसाब से काम कर पाते हैं। इस वीडियो में हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के महत्व के बारे में जानना है। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि हम कैसे अपने इमोशनल इंटेलिजेंस की मदद से एक अच्छा समाज बना सकते हैं और अपने बच्चों को समझदार बना सकते हैं। नंबर फर्स्ट, भावनाएं आपकी जिंदगी को एक नया रूप देती हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि भावनाएं सिर्फ रिश्ते बनाने के काम आती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास भावनाएं नहीं होती तो आपकी जिंदगी कैसी होती? आइए देखें कि भावनाओं का हमारे जिंदगी में क्या काम होता है, जिससे हम इसकी अहमियत को समझ सकें। भावनाओं से हम बहुत सी चीजें सीखते हैं। क्या आपने कभी किसी बच्चे को सीढ़ी के पास खेलने से मना किया है और उसने आपकी बात नहीं मानी, जिससे वह नीचे गिर गया हो? अगर हाँ, तो आपने यह देखा होगा कि वह बच्चा गिरने के बाद सीढ़ी के पास कभी नहीं खेलने गया होगा। भावनाएं हमारे अंदर अनुभव पैदा करती हैं और अनुभव से हम बहुत सी बातें सीखते हैं। जब वह लड़का सीढ़ी के पास खेलते वक्त गिर गया, तब उसे दर्द हुआ। यह दर्द उसके दिमाग में एक याद और एक अनुभव की तरह बस गया। इसीलिए इस घटना के बाद वह कभी भी सीढ़ी पर खेलने नहीं गया, क्योंकि वहां खेलने का उसका अनुभव अच्छा नहीं था। भावनाओं की मदद से हम दूसरों को समझ पाते हैं। अगर आप किसी को चुपचाप से झुकाए भीगी आंखों के साथ बैठा देखें, तो आप उस व्यक्ति के बारे में क्या कहेंगे? आप अंदर ही अंदर समझ जाएंगे कि वह व्यक्ति उदास है या किसी चीज को लेकर बहुत परेशान है। ऐसा भी हो सकता है कि आप यह बात बता दें कि उसके बाद वो क्या करेगा। भावनाएं हमें कोई काम करने पर मजबूर करती हैं। जब आपने उस रोते हुए आदमी को देखा, तो शायद आप भी दुखी हो गए होंगे। शायद आप जाकर उससे बात करें और उसकी मदद करने की कोशिश करें। आपकी भावना ही आपके काम करने की वजह है। 20वीं सदी में कुछ दिमागी मरीजों का ऑपरेशन किया गया, जिसका नाम लोबोटिन था। उस ऑपरेशन में उनके दिमाग के दोनों हिस्सों को अलग कर दिया गया, जिससे उनके अंदर भावनाएं पैदा नहीं हो पा रही थी। ऑपरेशन के बाद इन मरीजों की यह सोचने की क्षमता खत्म हो गई कि उन्हें क्या काम करना है। नेक्स्ट, भावनाएं हमारी अजीबोगरीब हरकतों के लिए भी जिम्मेदार हैं। भावनाओं को अगर सही तरह से न संभाला जाए, तो ये हम में से बहुत सारी ऐसी गलतियां हमसे करा देती हैं। आइए देखें ऐसा कब होता है। जब आप ज्यादा इमोशनल होते हैं, अगर आपके अंदर ज्यादा भावनाएं पैदा हो रही हैं, तो आपके सोचने की क्षमता कम हो जाती है और आप अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। जैसे अगर आप रात में कहीं अकेले जा रहे हो और अचानक आपका भाई आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, तो शायद आप डर के मारे चिल्लाने लगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप पहले से डरे हुए हैं और ऐसे में आपका दिमाग सही से नहीं सोच पाता है। जब आप जल्दबाजी में कोई काम करते हैं, कभी कभी आपका दिमाग आपके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं पैदा कर सकता है जिससे आप कोई फैसला बिना सोचे समझे लेते हैं। दिमाग के एक हिस्से का नाम नियोकॉर्टेक्स है, जो सोचने में हमारी मदद करता है। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसे संदेश जाएं जिससे आपका दिमाग खतरे को भांप ले, तो आपका इमोशनल ब्रेन नियोकॉर्टेक्स की सलाह लिए बगैर तुरंत कोई हरकत कर देगा। शायद इसीलिए आप अंधेरे में रखी गई कुर्सी को भूत समझकर भाग जाएं। जब पुरानी भावनाओं का असर दिमाग में हमेशा के लिए रह जाए, क्या आपको वो बच्चा याद है जो सीढ़ी पर खेलते वक्त गिर गया था? गिरने पर शायद उस बच्चे के दिमाग में गिरने का डर हमेशा के लिए बैठ जाए और वह सीढ़ियों से उतरते वक्त भी डरे। इस तरह कभी कभी हमारी भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं और हम अनजाने में ही कुछ गलतियां कर बैठते हैं। नेक्स्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस की मदद से हम अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं।
अब आप जान गए हैं कि भावनाओं को काबू करना क्यों जरूरी है। आइए देखें कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और भावनाओं को काबू करने में आपकी मदद कैसे कर सकता है। भावनाओं को काबू करने के पहले आपको अपनी भावनाओं को समझना होगा। आपको यह जानना होगा कि उन भावनाओं के नाम क्या हैं और क्यों वे आपके अंदर पैदा हो रही। इस तरह से आप उनके बारे में और उनके पैदा होने की वजह के बारे में जान सकते हैं और उन पर आसानी से काबू पा सकते हैं। हमारी भावनाएं हमारी सोच पर निर्भर करती हैं। अगर आप किसी चीज के बारे में अच्छा सोचने की कोशिश करें तो आपके अंदर उसके लिए अच्छी भावनाएं पैदा होंगी, लेकिन अगर आप उसी चीज के गाढ़े हिस्से को देखना शुरू करें तो उसके बारे में सोचकर आपको गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए आप अपनी भावनाओं को जिस तरह से काबू करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसी तरह से सोचिए। जब आप अपनी भावनाओं को काबू करते हैं तब इमोशनल इंटेलिजेंस इसमें आपकी मदद करता है या आपको अपनी भावनाओं को सही दिशा में ले जाने का काम करता है। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और आपका काम पर जाने का मन नहीं करता है। आपके मन में आता है कि आज आप काम पर ना जाकर कहीं घूमने चले जाएं। ऐसे में इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी मदद कर सकता है। अगर आप अपने काम की अच्छी चीजों पर नजर डालें तो आपका काम करने का मन करेगा। इस तरह से आप अपने घूमने की इच्छा को कम कर सकते हैं। यह देखा गया कि जो बच्चे अपने काम को मैनेज करना जानते हैं वे कम आईक्यू के होने के बाद भी स्कूल में और अपनी जिंदगी में अच्छा कर पाते हैं। नेक्स्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस समाज के लोगों से घुलने मिलने में हमारी मदद करता है। समाज और लोगों को हमारी जिंदगी में एक बहुत अहम हिस्सा होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस की मदद से हम लोगों को समझ पाते हैं और इस तरह से उन्हें आसानी से काबू कर पाते हैं। इससे हम अपनी और दूसरों की भावनाओं में तालमेल बिठाकर उनसे अच्छे संबंध बना पाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की मदद से हम लोगों के चेहरे के भाव और उनकी हरकतों को देखकर उनके मूड के बारे में बहुत सी बातें बता सकते हैं। इससे हम यह भी तय कर सकते हैं कि हमें उनके साथ या उनके सामने कैसा व्यवहार करना है। जैसे अगर आप किसी को गुस्से में देखें तो आप यह तय कर सकते हैं कि आपको उसका गुस्सा शांत करने के लिए क्या काम करना है। इस तरह से आप लोगों को उनके स्वभाव और उनके मूड के हिसाब से संभालना सीख सकते हैं और उनसे अच्छे संबंध बना सकते हैं। अच्छे संबंध बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप एक टीचर हैं और बच्चों के साथ आपके संबंध अच्छे हैं तो वे आपका कहा मानेंगे और आपकी इज्जत करेंगे। जिन लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत मजबूत होता है वे दूसरे लोगों को अच्छे से समझा पाते हैं, झगड़ों को आसानी से सुलझा पाते हैं और एक अच्छे लीडर बनकर अपने लोगों को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं जहाँ पर एक कर्मचारी बार बार एक ही गलती कर रहा है। अगर आप उसे उसकी गलती के लिए डांटेंगे तो शायद वह बुरा मान जाए, आपकी बात न माने, लेकिन अगर आप उसके स्वभाव के हिसाब से उसे समझाएंगे तो वह आपकी बात मान लेगा और अपने काम को अच्छी तरीके से करेगा। मित्रों, ये वीडियो का पहला पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।